नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइल स्पेसर्स एंड देयर यूज़। इस वीडियो में हम फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे टाइल स्पेसर्स क्या है, इनका यूज़ टाइल लगाने के दौरान क्यों किया जाता है, टाइल स्पेसर्स किस किस साइज में आते हैं, टाइल स्पेसर को यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, साथ ही देंगे कुछ यूजफुल टिप्स और लास्ट में बताएंगे टाइल स्पेसर्स का एक पैकेट कितने का आता है। हमेशा की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल साइट बेस्ड होने वाला है, जो आपकी नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर या ऑफिस में टाइलिंग का काम शुरू करवाने से पहले मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, टाइलिंग ग्रूव में करवाएं या फिर टच टू टच लगवाएं, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं टाइल स्पेसर्स ज्वाइंट के साथ लगवाएं या फिर पेपर ज्वाइंट में लगवाएं। इसका सिर्फ एक छोटा सा जवाब है, अगर टाइल साइज छोटी है उसे टच टू टच लगवाएं, और अगर टाइल साइज बड़ी है तो उसे स्पेसर ज्वाइंट के साथ लगवाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिकमेंड करूंगा, अगर टाइल का साइज 1 फीट बाय 1 फीट है, 1 फीट बाय 80 इंचेस, 1 फीट बाय 2 फीट या फिर 2 फीट बाय 2 फीट है, तो आप टाइल को टच टू टच और पेपर ज्वाइंट में लगा सकते हैं। इन टाइल्स को लगाने में टाइल्स को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपकी टाइल का साइज 2 फीट बाय 4 फीट, 2 फीट बाय 5 फीट या इससे बड़ा है, तो आप टाइल को स्पेसर्स ज्वाइंट के साथ ही लगवाएं। स्पेसर्स को यूज करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, पर पहले यह समझ लीजिए स्पेसर है क्या। टाइल स्पेसर्स पीवीसी प्लास्टिक मटेरियल के बने प्लस शेप का एक प्रोडक्ट है, जिसका यूज दो टाइल्स के बीच में गैप मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यह स्पेसर्स 6 साइजेस में आते हैं, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm, पर ज़्यादातर 2, 3 और 4 mm स्पेसर्स का यूज़ टाइल को लगाने के लिए किया जाता है। टाइल चाहे कोई भी हो, जैसे वॉल टाइल या फ्लोर टाइल, दोनों जगहों पर ही आप स्पेसर का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं टाइल स्पेसर्स लगाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज, एस्थेटिकली स्पेसर ज्वाइंट देखने में खूबसूरत लगते हैं पेपर ज्वाइंट की तुलना में। फर्स्ट डिसएडवांटेज, रिक्वायर्ड स्किल्ड मैन पावर, स्पेसर ज्वाइंट टाइलिंग के लिए स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है। सेकंड एडवांटेज, स्पेसर्स का यूज करके टाइल लगवाने से टाइल में बेंड होने की स्थिति में टाइल्स को प्रिसाइसली लगाया जा सकता है। टच टू टच टाइल लगाने पर अगर टाइल में बेंड है तो दोनों टाइल की सतह में आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, स्पेसर ज्वाइंट में यह दिक्कत नहीं आती। सेकंड डिसएडवांटेज, हाई फिक्सिंग कोस्ट, स्पेसर का यूज करके टाइल लगवाने का खर्च टच टू टच टाइल लगवाने से ज़्यादा आता है। थर्ड एडवांटेज, इजी रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन टाइल्स, कई बार क्या होता है टाइल फ्लोरिंग हो जाने के बाद बीच में से कोई एक टाइल टूट जाती है और उसे रिप्लेस करना पड़ता है, पर टाइल्स को लगा देने के बाद ब्रोकन टाइल्स को चेंज करना मतलब ओखली में सर देना। रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर टच टू टच टाइल लगी है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो जब आप टूटी हुई टाइल को रिप्लेस करने के लिए टाइल निकालेंगे तो आसपास की टाइल भी टूट जाएगी या फिर साइड से डैमेज हो जाएगी या फिर चिप ऑफ हो जाएगी, साथ वाली टाइल के कोने भी टूट जाएंगे और पहले से अधिक काम खराब हो जाएगा, और दूसरी नई टाइल लगाने के दौरान टाइल के ज्वाइंट में मोटा गैप हो जाएगा जो आपके काम को सत्यानाश कर देगा। पर अगर टाइल स्पेसर्स के साथ लगी है तो आप आसानी से बीच की टूटी हुई टाइल चेंज कर सकते हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ ग्राउटिंग, स्पेसर ज्वाइंट के साथ टाइल लगाने से ज्वाइंट के बीच में ग्राउट भरना होता है। यह ग्राउट इपोक्सी ग्राउट होता है जो महंगा आता है और एप्लीकेशन में भी एडिशनल कॉस्ट ऑफ लेबर देना होता है। चलिए अब आपको एक यूजफुल टिप देते हैं, टाइल आप चाहे स्पेसर ज्वाइंट में लगवाएं या फिर पेपर ज्वाइंट में, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वॉल टाइल अगर विट्रीफाइड टाइल है तो एडहेसिव मोर्टार का ही यूज़ करें, और टाइल सेरेमिक है तो सीमेंट मोर्टार का ही यूज़ करें। नेक्स्ट प्रो टिप इज, अगर टाइल एडहेसिव का यूज़ करके टाइल लगवा रहे हैं तो दीवार में प्लास्टर, स्टोन डस्ट या फिर कोर्स सैंड का ही करें, प्लास्टर में रेता या रिवर सैंड का यूज ना करें। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट इज प्राइस ऑफ स्पेसर्स, एक स्पेसर का 100 पीसेस का पैकेट 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में मिल जाता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।